फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम पेट्रोमाइजोन की जो वीडियो बनाई है आपके लिए वो है पेट्रोमाइजोन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन का कंपैरेटिव एनालिसिस, पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है एमोसिएट लार्वा उसकी संरचना और उसमें कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पेट्रोमाइजोन एडल्ट में नहीं होते हैं केवल लार्वा में होते हैं, और कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं उसमें जो केवल किसमें हैं एम्फियोक्सिस में पाए जाते हैं, यानी इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। तो क्यों वो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा एंड सिफेलोकॉडेटा, ये सारी वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ। अब अपना टॉपिक है आज पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ बहुत सिंपल सा इसका डायग्राम बनाया है और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिडर करते हैं और एक करते हैं ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव से संबंधित है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनस पर एंड होती है, लेकिन एनस जो है इसका बाहर ओपन नहीं होता है, एनस इसका क्लोइका में ओपन होता है और क्लोइका जो है बाहर क्लोइकल अपर्चर के द्वारा ओपन होगा। अब हम लेते हैं माउथ की संरचना कैसी है। वैसे मैं इसका एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर उसमें बता चुकी, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। माउथ जो है इसका आगे वाले भाग में एंटीरियर पार्ट में मिड वेंट्रल में उपस्थित होता है, मिड वेंट्रल में मध्य अधर में, और साइक्लोस्टोमेटा यानी सर्कुलर माउथ होता है। और माउथ का स्पेशल कैरेक्टर क्या है इसमें, माउथ जो है ये सक्शन पंप की तरह कार्य करेगा। ये जैसे इसका ये जो है बकल फनल वाला काम है और यहां सेंटर में इसके माउथ वाला पार्ट है। माउथ में क्या है, ये टंग है और टंग के ऊपर भी क्या है, हॉर्नी टीथ है। हॉर्नी टीथ्स आर अरेंज्ड इसके ऊपर की साइड में सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर की साइड में, यहां भी दंतुर संरचना है, और इन्फ्रा यानी यहां पर भी दंतुर के जैसी संरचना है। इसके अलावा इसमें रेडियली अरेंज्ड हॉर्नी टीथ्स जो है वो पाए जाते हैं, और यहां पर लेटरल लाइन में बाइकस्पिड टीथ भी होते हैं। ये इस तरह से बाइकस्पिड टीथ भी होते हैं, और इस मार्जिन, ये मार्जिन है तो मार्जिन के बाहर की तरफ क्या बताया था, एक झालर जैसी संरचना होती है, ओरल फिम्ब्री जिसको कहते हैं, ओरल फिम्ब्री में बीच बीच में क्या है, ओरल सिटाई है, ये ओरल सिटाई, ठीक है। तो ये है इसका माउथ की संरचना जो सक्टोरल बकल फनल की तरह कार्य करता है, जो कहां पर है, मिड वेंट्रल में उपस्थित है। यहां पर ये मार्जिन शो हो रहा है और ये इसकी ओरल फिम्ब्री शो करी है और ये हॉर्नी टीथ्स का अरेंजमेंट शो किया है। माउथ किस में ओपन होगा, बकल कैविटी में ओपन होगा। बकल कैविटी में क्या है, टंग है, ये बकल कैविटी है, बड़ी बकल कैविटी होती है और इसमें जीप पाई जाती है। जीप जैसे मैंने बताया उसके ऊपर भी हॉर्नी टीथ उपस्थित होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट है, तेज तैर करके समुद्र में पाए जाने वाले जो दूसरे जीव है जैसे कोई बड़ी मछली है या टॉर्टोइस है, तो उनका खासतौर से बेली वाला जो पार्ट होता है उस बेली वाले पार्ट पर जाकर के ये अपने सेक्टोरियल माउथ से चिपक जाती है, और चिपकने के बाद में ये इनके जो हॉर्नी टीथ है इन टीथ की सहायता से उसकी त्वचा को कुरेद लेती है, और उसके बाद में ये पूरा जो बकल फनल है ये सक्शन पंप की तरह कार्य करेगा और उस एनिमल का ब्लड और लिक्विड जो है वो सक करेगा। तो ये एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है जो है माउथ का, और ये इस तरह से सक्शन पंप की तरह कार्य करेगा। उसके बाद ये हो गया बकल कैविटी, ये लंबी संरचना है बकल कैविटी की भी। अब यहां आकर के यहां खास जो डिफरेंशिएशन होता है वो देखो, यहां पर आप बकल कैविटी के बाद में यहां पर दो रस्ते हैं, एक रास्ता कहां जाता है फेरिंग्स को और एक रास्ता कहां जाता है ईसोफेगस को, यानी यहां पर फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस की संरचना नहीं है, फेरिंग्स के बाद में नहीं है, फेरिंग्स तो यहां पर बंद है, ब्लाइंड है, बंद है ना, यहां बंद है फेरिंग्स। फेरिंग्स यहां केवल रेस्पिरेशन का काम करेगा,
फेरिक्स का यहाँ भोजन से कोई काम नहीं है। तो यहाँ जो फेरिक्स बकल कैविटी के बाद में जो दो ओपनिंग है, फेरिक्स की जो ओपनिंग है इस ओपनिंग के आगे यहाँ पर पाया जाता है वीलम। तो वीलम यहाँ क्या काम करता है, यहाँ जो वीलर टेंटिकल्स है, ये वीलर टेंटिकल्स जो है ये बकल कैविटी में जो भोजन आया है उस भोजन को फेरिक्स में आने से रोकते हैं, यानी उसकी एंट्री को फेरिक्स में नहीं होने देंगे। जिस तरह से हमारी श्वास नलिका और जो इसोफेगस है वो अलग अलग है, ट्रैकिया और इसोफेगस अलग अलग है हमारे में, तो खाना हमारे श्वास नलिका में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें जो है सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उस तरह से यहाँ पर ये जो वीलम है ये इसी का काम करता है कि जो बकल कैविटी में जो भोजन आया है वो भोजन के कण फेरिक्स में प्रवेश ना करें। तो ये यहाँ एक तरह से गार्ड का काम कर रहा है और फेरिक्स यहाँ पर आगे की तरफ से बंद है, ठीक है। ये फेरिक्स का हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा करेंगे। अब हम क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कर रहे हैं तो यहाँ से सीधा लेते हैं, बकल कैविटी से जो पे जो भोजन आया है वो फिर जाएगा इस छिद्र के द्वारा जाता है ईसोफेगस में। तो फेरिक्स के डॉर्सल साइड में ईसोफेगस है, ईसोफेगस में यहाँ देखो ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग भी गार्ड की जाती है बाय गुलेट। किसके द्वारा गार्ड की जाती है, गुलेट के द्वारा, वाल्व है इसके द्वारा गार्ड की जाती है और भोजन जो बकल कैविटी में आया है वो कहां पर आ जाएगा, ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस के बाद हम सामान्यतः क्या कहते हैं, ईसोफेगस ओपन होती है स्टमक में, लेकिन यहां देखो स्टमक जैसी कोई संरचना नहीं है क्योंकि ईसोफेगस यहां सीधा ओपन होती है इंटेस्टाइन वाले भाग में, तो यहां पर स्टमक नहीं है। इंटेस्टाइन की क्या खासियत है, इंटेस्टाइन जो है ये आगे की तरफ से जो इंटेस्टाइन का भाग है इट इज सराउंडेड बाय लीवर, ये लीवर लिखा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाय लीवर। तो लीवर क्या है, बाई लोब्ड संरचना है, द्विपालित संरचना है जो इंटेस्टाइन के अग्र भाग को घेर करके रखती है। और इंटेस्टाइन का जब सेक्शन कटिंग करा जाए तो इसमें देखा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं और वो जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है वो स्पाइरल संरचना बनाते हैं। तो ये जो स्पाइरल संरचना बनती है ये कहलाती है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल का क्या काम है, एक तो स्पाइरल संरचना होने के कारण थोड़ा टाइम लगेगा भोजन को यहां से आगे गुजरने में, तो इतने टाइम में जो भोजन का पचने का काम है और पचित भोजन का जो एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का काम है वो ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा। दूसरा क्या है, टिफ्लोसोल जो है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो रेड ब्लड सेल का निर्माण करती हैं या ब्लड सेल का निर्माण करती हैं। तो जो कार्य हमारे में स्प्लीन का है वो कार्य यहाँ पर किसका है, टिफ्लोसोल का भी है, ठीक है। तो टिफ्लोसोल का यहाँ एलिमेंट्री कैनाल से अगर हम काम लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ क्या काम है इसका, स्पाइरल वाल्व होने के कारण भोजन को गुजरने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा एंजाइम का इस पर रिएक्ट करने में और पचने के बाद में उसको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो टिफ्लोसोल है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है। उसके बाद यहाँ पर जो है इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ हमने लीवर बताया तो लीवर तो है यहाँ पर लेकिन लीवर में गॉल ब्लेडर नहीं है और बाइल डक्ट नहीं है, जबकि इसका जो लार्वा होता है उसके अंदर लीवर के साथ साथ में लीवर में गॉल ब्लेडर होता है, पित्ताशय होता है और जो है बाइल डक्ट भी होती है, लेकिन व्यस्क के अंदर केवल लीवर है, गॉल ब्लेडर और बाइल डक्ट नहीं पाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, नॉर्मली हम कहते हैं इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज ओपन होती है, पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है जो डाइजेस्टिव जूस लाती है जिसके अंदर डाइजेशन के लिए पाचन होता है, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेंक्रियाज भी नहीं है। तो पेंक्रियाज नहीं है तो यहाँ पर एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उस इंटेस्टाइन की इनर वॉल में ही कुछ पेंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, अलग से पेंक्रिया नहीं है, कुछ पेंक्रियाटिक सेल्स होते हैं बिखरे हुए, वो पेंक्रियाटिक सेल्स जो है वो कहलाते हैं जाइमोजन, जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल कई बार एक नंबर का जो प्रश्न आता है सीधा पूछ लेते हैं जाइमोजन सेल्स, बस कमेंट करना है तो हमें याद रखना है जाइमोजन सेल्स कहाँ है, इंटेस्टाइन में है और इनका वही कार्य है जो पेंक्रियास का कार्य होता है पाचन में, यानी कि क्या करना, पेंक्रिया क्या करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना।
तो जाइगोजन सेल्स है अंदर जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को पचाने वाले एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं, जिससे जो भोजन यहाँ तक आया है उसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन वाले एरिया में हो गया। अब जो भोजन नहीं बचा है वो भोजन कहाँ चला जाएगा, आगे यानी रेक्टम वाले भाग में, और फिर वो एनस के द्वारा कहाँ ओपन हो रही है, एनस क्लोइका में, डायरेक्ट बाहर नहीं ओपन हो रही है, क्लोइका में ओपन हो रही है। क्लोइकल अपर्चर जहां है उसके पीछे कौन सा पार्ट शुरू होता है, इसका टेल वाला भाग शुरू होता है। तो क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करना है, इसीलिए हम केवल इस वाले भाग को हाईलाइट करे किया है मैंने। अदरवाइज इससे ऊपर जो है, जैसे इसके ऊपर क्या है, ये पूरा नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड के ऊपर क्या है, वर्टिब्री है, जो यहाँ रुडिमेंट्री है, अभी वर्टिब्री है, वर्टिब्री के ऊपर क्या शुरू किया है, मायोटोम शुरू किए हैं। लेकिन इस चीज की डिटेल हम जब करेंगे, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा मकसद क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना। तो अगर आप ये चीजें अवॉइड करते हो, केवल एलिमेंट्री कैनाल और इससे संबंधित जो है ग्लैंड्स बनाते हो, तो वो सफिशियंट है हमारे इस डायग्राम में। तो मैं एक बार वापस इस चीज को रिपीट कर देती हूँ। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कहां से शुरू होंगे, बक्कल कैविटी, ये बक्कल फनल, बक्कल फनल की एक स्पेशल संरचना है, वो सक्शन पंप की तरह कार्य कर रही है वो। उसके बाद में ये ओपन होगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी लंबी संरचना है, इसमें फिर दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग किस तरफ है, फेरिक्स की तरफ, दूसरी ओपनिंग किस तरफ है, ईसोफेगस की तरफ। लेकिन फेरिक्स की ओपनिंग को गार्ड किया जाता है विलम के द्वारा, यानी भोजन को फेरिक्स में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो भोजन केवल किस में प्रवेश होगा, ईसोफेगस में, और यहाँ पर भी जो है ओपनिंग है विच इज गार्डेड बाय गुलेट। ईसोफेगस से भोजन कहां पर जाएगा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में के सराउंड कर रखा है बाइल लोब्ड लीवर ने, और यहाँ जो लीवर है इसमें गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट नहीं पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन का और स्पेशल कैरेक्टर हमें क्या बताना है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड है वो स्पाइरल बल्ब बना रही है, जिसको टिफ्लोसोल कहेंगे, जो इसके एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाएगा, और जो इसमें भोजन क्रॉस करने में टाइम लगेगा तो एंजाइम्स ज्यादा इसमें क्रिया कर सकेंगे भोजन के साथ में। और यही इंटेस्टाइन में हमें बताना है जाइगोजन सेल्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर पैनक्रियाज नहीं पाई जाती है, तो पैनक्रियाज का पचाने से संबंधित जो काम है, यानी डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट कर रहा है, वो है जाइगोजन सेल्स। अपचित भोजन पहुंच जाता है पीछे रेक्टम में, रेक्टम से एनस के द्वारा क्लोइका में ओपन होता है, और क्लोइका जो है वो क्लोइकल अपर्चर द्वारा बाहर ओपन है। क्लोइकल अपर्चर के पीछे वाला जो पोर्शन है वो एनिमल का टेल वाला भाग बनाती है। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर हम अलग से लेते हैं तो शुरू करते हैं माउथ में पाई जाने वाली ग्लैंड्स। माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, और सलाइवा क्योंकि एक्टोपैरासाइट है, दूसरे जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके सक कर रहा है ब्लड को, तो ब्लड को सक कर रहा है उसके लिए क्या है, इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंटी कोगुलेंट केमिकल पाया जाता है। तो एंटी कोगुलेंट जो केमिकल है वो क्या करेगा, रुधिर के थक्के को नहीं जमने देगा, ताकि लगातार यह उससे ब्लड को सक कर सके, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हम आते हैं सेकेंड ग्लैंड है लीवर। लीवर कहाँ उपस्थित है, इंटेस्टाइन का जो आगे वाला भाग है यहाँ उपस्थित है, इसको घेरे हुए है, बाइलोब्ड संरचना है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट नहीं है, जबकि गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट इसकी लार्वा अवस्था में होते हैं। थर्ड क्या है, इंटेस्टाइन लाइनिंग जो है इसके अंदर ही पैनक्रियाटिक सेल्स के पैचेस है, अलग से पैनक्रिया नहीं है, पैनक्रियाटिक सेल के पैचेस है, ये कहलाते हैं जाइगोजन सेल्स, जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। भोजन को पचाना, पचित भोजन को एब्जॉर्ब करना किसके द्वारा होता है, टिफ्लोसोल जो उपस्थित है उसके द्वारा होता है। अपचित भोजन रेक्टम में गया और एनस के द्वारा क्लोइका में जो है छोड़ दिया जाता है, और क्लोइकल अपर्चर द्वारा समय समय पर बाहर निकाला जाता है। तो ये है इसका पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।